हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो भाई, एज यू गाइस ऑल नो, मेरे चल रहे मिड टर्म एग्जाम। सो दिस व्लॉग गोइंग टू बी अ बिजी स्टडी रूटीन और बिजी एग्जाम स्टडी रूटीन। सो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, व्लॉग को पूरा देखना। ऑल्सो इस व्लॉग में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी या फिर पूछी है, मान लो। सो व्लॉग को पूरा देखना, स्किप मत करना, ज़्यादा पता नहीं है। अगर चैनल पर नहीं हो सो प्लीज़ कर दो चैनल को सब्सक्राइब भाई, बिकॉज इट्स टोटली वेरी फ्री फ्री फ्री, ठीक है। एंड कल है मेरा लास्ट एग्जाम जो कि होने वाला है फिजिक्स का। एग्जाम खत्म, टेंशन भी खत्म हो जाएगी। एंड मेरा अभी पेपर हो चुका है केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, बायो का एंड फिजिकल एजुकेशन का। कैसे क्या हुए वो आपको ब्लॉग में आके देखने को मिलेगा। एंड भाई, फिजिक्स मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है सब में से। फिजिक्स में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, तो मुझे इसके थोड़ी बहुत डर भी लग रहा है कैसा जाएगा। बट हाँ, सुबह से दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, प्रोडक्टिव जा रहा है। क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करे हैं, नोट्स भी करे हैं। एंड अभी भी मेरा पढ़ने का ही प्लान है। सो आगे व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बिना किसी देरी के व्लॉग को शुरू करते हैं। एंड रही बात क्वेश्चन पेपर्स की, सो यार क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलो व्लॉग को शुरू करते हैं। हे गाइस, मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा था भाई अराउंड शाम से। एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश आने लग रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा ठंडा हो रखा था। एंड मुझे ना मेरा गला ख़राब लग रहा था, बिकॉज आज मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा ठंडा दूध पी लिया था। और फिर वो ये भाई, एक बार गला ख़राब हुआ देन उससे कोल्ड होगा और फिर हो जाएगा फीवर, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। दैट्स वाई मैंने अभी से अपने लिए ब्लैक टी बना ली थी। सो ब्लैक टी पीने के बाद मैं बैठ गया था अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करने के लिए। सो गाइज़, ये रही भाई मेरी मिड टर्म की डेट शीट। अब आप लोग बोलोगे कि आपका फिजिक्स का पेपर तो 30 को होने वाला था, 29 को क्यों हो रहा है? सो भाई, जिस दिन बायोलॉजी का पेपर था, पेपर होने के बाद हमें नोटिस मिला था कि जो आपका फिजिक्स का पेपर 30 को होने वाला था वो हमने 29 को फिक्स कर दिया है। और उन्होंने रीजन बताया था कि जो लाइक आपकी चेकिंग है ना वो जल्दी हो जाएगी, सो हम ज़्यादा इसे आगे तक नहीं खींचेंगे, बिकॉज हाफ ईयरली के अब की बार हमें ना शीट्स भी मिलेंगी, जैसे हमें पता लग जाए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं गलती कर रहे, लिखने का तरीका पता चल जाए। मेरा दिमाग एक तो उसी टाइम ख़राब हो गया था कि अच्छा खासा टाइम मिल रहा था भाई 2 दिन का, कि सारा सिलेबस आराम से हो जाएगा, अब उतना ही एक दिन में सारा का सारा सिलेबस करना है। बट कोई नहीं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था, लाइक जो जो चैप्टर मेरे कंप्लीट हो रखे थे उनके आगे तो मैंने टिक लगा दिया था, जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा ही था। और जो चैप्टर मेरे नहीं हो रखे थे उन्हें मैंने ना पीडब्ल्यू का जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक हो, जो एडुकार्ड के वन शॉट वगैरह के क्वेश्चन बैंक है ना, वहाँ से मैंने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था। वैसे तो मोस्टली मैंने सभी चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने के बाद ही क्वेश्चन लगाना शुरू करा है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनके टॉपिक मैंने कर तो रखे थे बट उनमें ना मुझे लाइक कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा। मैं श्योर नहीं था कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो मैं सारे सोल्व कर पाऊँ, इसलिए मैं एक बार ना रफली नोट्स बना रहा था उन टॉपिक्स के अपने आप ही समझाने के लिए, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। तो इस टाइप से मैंने अपने फिजिक्स का रिवीजन करा है। तो गाइस, मेरे एग्जाम हो चुके हैं केमिस्ट्री का, फिजिकल एजुकेशन का, इंग्लिश का और बायोलॉजी का, कल फिजिक्स का भी हो जाएगा। सो मेरे एग्जाम कैसे क्या गए मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करूँ मैं केमिस्ट्री की, सो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी गई। एक दो एमसीक्यू में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज रिटन पोर्शन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ऑर्गेनिक में मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आई। सो मैं एक बार वापस से ना मिड टर्म खत्म होने के बाद उन चैप्टर की वन शॉट देखने वाला हूँ, और फिर ऑफकोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं करूँगा ही। इंग्लिश का भी पेपर काफ़ी सही गया है, और एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर बहुत सही गया है। फिजिकल एजुकेशन के पेपर वाले दिन तो मैंने बस रीडिंग वगैरह भी नहीं ली, जस्ट मैं क्वेश्चन सोल्व करके गया था चैप्टर वाइज। एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी मेरा काफ़ी अच्छा गया है। रही बात बायोलॉजी की, सो बायोलॉजी में मॉलिकुलर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर और प्रिंसिपल वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो थोड़े से लाइक काफ़ी ज़्यादा ही सब्जेक्टिव थे। सो आई थिंक मैंने उतना नहीं लिखा जितना लिखना चाहिए था, मुझे ये लग रहा है उन चैप्टर्स में। सो उन चैप्टर्स में लाइक एक बार थ्योरी की मुझे थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। सो या एंड आप लोगों का कितना क्या सिलेबस हो गया है, मिड टर्म आप लोगों के कब खत्म हो रहे हैं, एंड कब तक आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोची है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। सो स्लॉट नंबर 3 में मैंने ना फॉर्मूला रिवाइज करे थे सभी चैप्टर के, लाइक एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा था, साथ साथ फॉर्मूला मैंने नोटबुक में लिख रखे थे और टैब पे साथ साथ मैं ना उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व कर रहा था। देन लास्ट स्लॉट स्लॉट नंबर 4 में जो बोर्ड का पेपर आता है ना, जैसे उसी टाइप की ये शीट थी, तो इसमें स्टार क्वेश्चन दे रखे थे चैप्टर वाइज, सो मैंने वो भी सोल्व कर लिए थे। आज के मेरे सारे टारगेट पूरे हो गए थे, अभी बच गए थे वही 11, फिर मैं जा रहा था सोने के लिए। तो गाइज, अभी फिलहाल का टाइम हो रखा है 11:15 रात के, एंड अभी मेरे सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं, मैंने चैप्टर वाइज नोट्स भी रिवाइज कर लिए हैं, फॉर्मूला भी रिवीजन हो गया है, एंड साथ ही में जो मेरे पास स्टार क्वेश्चन की शीट थी ना वहाँ से भी मैंने सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं। एंड अभी मैं जाऊँगा फिलहाल सोने। ऑल्सो आप लोगों से मुझे एक और बात पूछनी थी, ठीक है। सो जिस दिन 25 सितंबर यानी मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर था ना, उस दिन वहाँ पर इवेंट होने वाला था, मैंने पोल भी डाली थी वैसे, अगर आप लोगों ने देखा था तो। नहीं देखा मैं अभी बता देता हूँ।
सो फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने के बाद इवेंट था स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड्स 2025 इसका नाम था। सो काफ़ी सारे सर भी आए हुए थे, काफ़ी सारी मैम भी आए थे, लास्ट ईयर के टॉपर्स भी बुला रखे थे। सो उन्होंने क्या बताया था, हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़, माइंड मैप हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस टाइप से हमें लिखना है एग्जाम्स में, ओवरऑल कैसे एनसीईआरटी का यूज़ करना है, ओवरऑल सारे तीनों सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताई थी उस इवेंट में। टॉपर्स ने भी अपनी चीज़ें शेयर करी थी उनके टाइम की, एंड और जो मैम आई थी उन्होंने बताया था। और हमें बोला गया था कि आप लोग है ना डायरी और पेन ले आना, जैसे जो वो पॉइंट्स बताएं वो आप लोग लिख सको। सो मैं लेके गया था और वो सारे पॉइंट्स मैंने अपनी लिख रखे हैं, एंड उस दिन का मैंने ना थोड़ा बहुत व्लॉग भी शूट कर रखा है, एंड जो आगे की चीज़ है वो मैं रिकॉर्ड करके बता दूंगा डायरी में, जो जो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं आप लोगों से। अगर आप लोग चाहते हो सो मुझे कमेंट्स में बता देना कि वो व्लॉग मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ। इस व्लॉग से अगला व्लॉग फिर मैं वही डाल दूंगा, अगर आप लोग हाँ बोलोगे सो कमेंट में ज़रूर बता देना कि वो व्लॉग मुझे अपलोड करना है या नहीं करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। एंड आज के लिए इतना ही, अभी मैं जाऊँगा भाई सोने के लिए। सो मॉर्निंग उठ के मैं डायरेक्ट अपना पेपर देने जाऊंगा बस, बिकॉज अभी टाइम से सो जाऊंगा तो सही है, वरना फिर सुबह नींद आएगी, एग्जाम में भी नींद आएगी। तो सुबह बस मैं फॉर्मूला रिवाइज करके चला जाऊंगा और कुछ खास नहीं करने वाला। आज के लिए इतना ही, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बता देना ब्लॉग, एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नहीं हो तो गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड अपना ध्यान रखो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, राधे राधे।